इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ रेडियो मंत्रा आपके लिए पेश करता है मंत्रा हक से, जिसमें कहानियों और संवाद के माध्यम से आप अपने कानूनी अधिकारों मतलब लीगल राइट्स के बारे में जान सकते हैं। पंद्रह से 26 जनवरी 2016 के बीच प्रसारित हुई इस कहानी के लेखक हैं इंडिया इंस्टीट्यूट के सृजन दुबे। आज की कहानी का शीर्षक है खोई मासूमियत। हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसकी हालत गंभीर थी। उसके माता पिता गांव से कॉलेज आ ही रहे थे। प्रिंसिपल ने सभी छात्रों की मीटिंग बुलाई थी। प्रिंसिपल ने समझाना शुरू किया, बच्चों आज मैं आपको रैगिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप में से कई लोग रैगिंग से त्रस्त हैं। हमारे संस्थान में कानूनी नियमों के अनुसार एक एंटी रैगिंग कमेटी मौजूद है, जिसे आप कभी भी अपना नाम गुप्त रखते हुए अपनी समस्या बता सकते हैं। इतने में एक छात्र ने पूछा, मैडम रैगिंग किसे माना जाता है? शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक या मानसिक यातनाएं, छेड़खानी, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर तंग करना, ये सभी रैगिंग का ही रूप है। अगर आपको किसी भी तरह परेशान किया जा रहा है तो आप अवश्य समिति को बताइए। एक छात्रा का प्रश्न था, रैगिंग की क्या सजा होती है? पुलिस कार्रवाई होगी या कॉलेज ही संभालेगा? प्रिंसिपल ने बताया, रैगिंग के सभी मामलों में FIR लिखवाना अनिवार्य है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। कॉलेज से निकाले जाने से लेकर आजीवन प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जेल भी हो सकती है। ये बात सुनकर कुछ सीनियर छात्र भी सोच में पड़ गए। सभागृह में सभी की आंखें नम थी। आइए अब हम इस कहानी के बारे में विशेषज्ञों के विचार और आपके सवालों के जवाब सुनते हैं। जानिए अपना हक, जानिए अपना कानून, क्योंकि आप उतने ही आजाद हैं जितना आप जानते हैं। रैगिंग के ऊपर हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए और हमें अपने हक से रूबरू करने के लिए मेरे साथ है कौन? हेलो दोस्तों, मेरा नाम अली मोहम्मद माज है और मैं यहाँ दिल्ली में एडवोकेट हूँ। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ सर कि रैगिंग होती क्या है? कोई भी बच्चा अपने स्कूल छोड़ के जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वहाँ जो उसको पहले से बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो उसको परेशान करते हैं, उससे तरह तरह का सवाल पूछते हैं। उसमें मारपीट भी होती थी, कभी कभी कुछ बच्चे अवसाद के शिकार होकर के आत्महत्या तक कर लेते थे, ठीक है। उसी को रैगिंग बोलते हैं, जो प्रक्रिया होती है जिसमें सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को परेशान करते हैं। बेजुबान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपका हक, आपका कानून। तो अगला सवाल कि सर क्या ये सोशल मीडिया पे भी माना जाता है? सर रैगिंग के, देखिए रैगिंग के बहुत सारे पार्ट हैं। रैगिंग के पार्ट में है किसी भी छात्र से कोई ऐसा सवाल पूछना जो उसको अच्छा ना लग रहा हो या जिसका जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं हो। रैगिंग अब सोशल मीडिया पे भी होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई छोटा बच्चा है, वो उसने अभी एडमिशन लिया है, आप उसके नाम की कोई फेक प्रोफाइल बना करके आप कॉलेज में कोई सीनियर बच्चे सर्कुलेट करते हैं, तो ये भी एक रैगिंग का पार्ट है। तो सर अगर कॉलेज में मेरे साथ रैगिंग होती है तो क्या मैं सिर्फ कॉलेज के एंटी रैगिंग डिपार्टमेंट में ही जा सकता हूँ या फिर पुलिस के पास भी जा सकता हूँ? हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये डायरेक्शन दी गई है कि आप अपने यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी बनाइएगा। बच्चे के साथ अगर कुछ ज्यादा ऐसा केस हो जाता है जो संज्ञान लिए जाने के काबिल होता है तो बच्चा डायरेक्ट पुलिस के पास जा सकता है। लेकिन अगर संज्ञान लिए जाने के काबिल कोई ऐसा केस नहीं होता है तो फिर एंटी रैगिंग कमेटी के पास जाएगा। ऐसे केसेस में पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है? तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अथॉरिटी को जरूर बताएं। उनका नाम थोड़ा गुप्त रखा जाएगा, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश एंटी रैगिंग कमेटी करेगी। ये पहल आपके हित में इंडिया इंस्टीट्यूट के नीति एक्सप्रेस अभियान द्वारा प्रस्तुत। इंडिया इंस्टीट्यूट एक लोक नीति संस्था है जिसका उद्देश्य है एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की रचना करना। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com पर इंडिया इंस्टीट्यूट TV चैनल। और अपने कानूनी हक जानने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें iTorney ऐप, iTorney, योर पॉकेट लॉयर।